मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जिनको पेट साफ नहीं होता उनको क्या क्या होता है? दुनिया की 103 बीमारियां उन्हीं को होती है, क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि अगर आपकी आंतें साफ नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी और छोटी आंत साफ नहीं है, तो बीमारियों का केंद्र आपके घर में ही है। और 90% बीमारियां आपको मालूम है कब्जियत से शुरू होती हैं, कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती हैं। हमारे देश में सभी बड़े चिकित्सक और वैद्य कहते हैं कि जिनका पेट साफ नहीं हुआ उनको कुछ भी बीमारी आएगी, संधिवात हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन तो रहने वाला है, मुंह में से भयंकर बदबू आएगी, दांत आपके खराब हो जाएंगे, सांस में इतनी तेज बदबू होगी कि पड़ोसी बैठ नहीं पाएगा आपके पास, रात को नींद नहीं आएगी, भूख समय से नहीं लगेगी, भूख ठीक से नहीं लगेगी, शरीर में कमजोरी आती जाएगी, ऐसी 103 बीमारियां एक साथ आएंगी। अब उनको चूंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत है तो ये सब बीमारियां उनको होती हैं, तो अब उसका इलाज क्या करते हैं वो? जब पेट साफ नहीं होगा तो सांस की बदबू भयंकर होगी, अब उस सांस की बदबू को रोकने के लिए वो दिन भर टूथपेस्ट रगड़ते हैं। और एक दो छोटी बातें बता दूं आपको, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये काम की है। यूरोप के देशों में मैंने जितनी बार प्रवास किया वहां के लोगों को देखा कि चूंकि ठंड बहुत है ना, तो ये जो भौं के बाल होते हैं ना ये नहीं उगते, तो इसलिए वो लाइनर का इस्तेमाल करते हैं दिखाने के लिए, नकली, असली तो है नहीं। तो ब्यूटी पार्लर में जा जाके वो बनवा बनवा के लाते हैं, काले पीले वो रंग से रंगते रहते हैं, क्योंकि असली बाल आते ही नहीं है, ठंड बहुत है। अब हमने भी वही तमाशा शुरू कर दिया अपने अपने घर में, बाकायदा दो दो तीन तीन घंटे का समय निकालकर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं इसको बनवाने के लिए। कितना भी रुपया खर्च हो हमें तो कोई मतलब नहीं उससे। तो मैं एक ही निवेदन सबसे करता हूं, वो ये कि अगर नकल ही करनी है तो समझ के करो, कुछ अकल के साथ करो, बिना अकल के नकल किया तो खड्डे में ही जाने वाले हैं। बीमारियां इसी तरह से आ रही हैं। हमने यूरोप और अमेरिका की बिना सोचे समझे जो नकल किया अपने जीवन में, कुछ तो हमारी मजबूरी थी कि हम 250-300 साल उनके गुलाम रहे, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब उनकी गुलामी चल रही थी तब भारत के लोग इतने मजबूर नहीं थे अंग्रेजों की नकल करने के लिए। वो चले गए 15 अगस्त 47 को, उसके बाद जो अंग्रेजियत बढ़ी है उसने तो तबाह कर दिया इस देश को।